आज है सॉल्विंग संडे का एपिसोड नंबर आई थिंक 8 और आज मैं आपकी कुछ कमेंट्स लूंगी, आपके कुछ डाउट्स को मैं सॉल्व करने का कोशिश करूंगी इस वीडियो में। तो आई होप कि आपके डाउट्स आपको क्लियर होते हुए दिखाई दे। तो चलिए हम अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह आपको कमेंट्स यहाँ साइड में दिखाई देते जाएंगे और जितने भी इनसे रिलेटेड वीडियोज या प्रोडक्ट्स हैं उन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक ही जगह पे मिल जाएंगे, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट कमेंट है वो शमीम अख्तर की तरफ से। उन्होंने कहा है, मैम मैं 13 इयर्स का हूँ, बाल लंबे करना है, प्लीज़ कोई रेमेडी शेयर करो प्लीज़ एंड प्लीज़। तो वो मुझे कुछ रेमेडी चाहते हैं, वो 13 इयर्स के हैं। तो 13 ईयर के हो तो आप काफ़ी सारी होम रेमेडीज़ अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैं आने वाले टाइम पे आपको एक ऑयल का रेसिपी शेयर करूँ। हेयर ऑयल मैंने अभी रिसेंटली घर पे ही बनाया है, मैं आपको बता देती हूँ। वो अगर आप चाहेंगे तो मैं उसका रेसिपी पूरा बना के आपको दिखा दूँगी। वैसे मैं आपको बता देती हूँ मैंने वो ऑयल कैसे बनाया है। आपने कोकोनट ऑयल लेना है, कोकोनट ऑयल कोल्ड प्रेस वाला होना चाहिए, जिसको मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको कोकोनट ऑयल लेना है, कोकोनट ऑयल को आपको थोड़ा गैस पे चढ़ा देना है, ठीक है, हल्का एकदम बिल्कुल स्लो आपको गैस रखना है। इसमें आपको डालना है कड़ी पत्ता, जो कड़ी पत्ता हम सब्जियों में यूज़ करते हैं वो। मेथी का दाना आपको डालना है इसमें, और साथ साथ आपको इसमें कपूर, आप चाहें तो आप कपूर डाल सकते हैं जो पूजा वगैरह में यूज़ होती है, वो आप डाल सकते हैं। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे 4 या 5 पाउडर्स डाले थे। अगर आपको फ्रेश इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं आपके लोकल मार्केट में, जो कि मैं बताऊंगी क्या क्या थे, तो आप वो डाल सकते हैं। डाला था हिबिस्कस फ्लावर का जो पाउडर था, अगर आपके एरिया में हिबिस्कस फ्लावर मिल जाता है इजीली, देन डेफिनेटली आप फ्लावर को उसकी पत्तियाँ तोड़ के अच्छे से उसको फ्लावर को डाल सकते हैं, फ्रेश कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपके पास में फ्लावर नहीं अवेलेबल है, आसपास फूल नहीं है, गुड़हल का फूल जिसको कहते हैं वो नहीं है, तो फिर आप अमेजोन से परचेस कर सकते हैं उसका पाउडर। मैं अगेन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसके साथ मैंने ऐड किया था आंवला का पाउडर। अगेन आंवला अगर आपको मार्केट में इजीली मिल जाए तो आप आंवला वैसे काट के डाल सकते हैं, नहीं तो आप पाउडर मार्केट से परचेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने डाला था शीकाकाई पाउडर। शीकाकाई पाउडर आपको इजीली मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ पे मेथी डाला है तो मेथी और शीकाकाई का जो काम होता है दोनों का एक जैसा होता है। और इसके साथ साथ मैंने डाला था तुलसी, और तुलसी का जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, बीज वाला, जहां बीज आते हैं वो वाला पार्ट होता है, वो आपको जरूर डालना है। इन सब चीजों को अच्छे से आपको उसमें तेल में बॉईल होने देना है, बहुत तेज फ्लेम नहीं करनी है, लो और मीडियम फ्लेम के बीच में आपकी गैस होनी चाहिए, उसको थोड़ा सा उबाल आने देना है। उबाल आने के बाद में उस तेल को आप ढक के रख दीजिए 5-7 मिनट में, जब तेल ठंडा हो जाएगा, जिससे कि सारे जितने भी एसेंस हैं, जितने भी तत्व हैं बाकी की चीज़ों के, वो तेल में आ जाएंगे। उसको आप छान के रख लीजिए, जब भी आपको वो तेल लगाना है आप उसको थोड़ा सा गुनगुना कीजिए, और उसमें आप थोड़ा सा प्याज का रस ऐड कर लीजिए, थोड़ा सा गार्लिक, थोड़ा सा कद्दूकस करके आप डाल लीजिए। जब उसको आप दोबारा हीटअप कर रहे हैं, ऑयल को आप हफ्ते में 3 बार लगाइए, 1 महीने के अंदर ही आपको बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जितने भी बालों के लिए अच्छी हेयर से रिलेटेड जितने भी अच्छी चीज़ें होती हैं वो सारी हमने इस तेल में डाली हैं, जिससे कि बालों की ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा बेटर होती दिखाई दे। तो आप भी इस ऑयल को यूज़ कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली बहुत फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट कमेंट है वो है राजा की तरफ से। तो उनका दोस्त हल्का बेबी है और वो बॉटल से दूध नहीं पीता है, तो वो कह रहे हैं कि हम क्या करें, बॉटल से दूध नहीं पीता। तो पहली चीज़ जो 2 साल की एज होती है वो बॉटल देने की नहीं, बॉटल छुड़वाने की होती है। मेरी डॉटर अभी 19-20 मंथ्स की है और मैं खुद सोच रही हूँ कि मैं उसको अभी थोड़े टाइम में बॉटल हटवाना स्टार्ट कर दूँ। हालांकि शायद 18 मंथ्स के अराउंड आपको ट्राई कर देना चाहिए बॉटल छुड़वाने का। 2 ईयर्स के बच्चे को आप ज़बरदस्ती बॉटल फीड करवाने की कोशिश ना करें, बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है। 2 साल के बच्चे को आप आराम से ग्लास से दूध पिलाना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप ट्राई कीजिए, आप छोटे वाला जो ग्लास होता है उससे पिलाना स्टार्ट करें 2 साल के बच्चे को, यही सबसे ज़्यादा उसकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बाद में बॉटल छुड़वाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। मैं खुद काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ, लेकिन मेरा ट्राई करने की वो नहीं हो पा रही है कि कि कहीं ऐसा ना हो वो दूध एकदम ही छोड़ दे, पीना बंद कर दे, तो इसलिए बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं। तो जब मैं अपनी डॉटर को जो बॉटल फीड हटवाने का ट्राई करूँगी, उस टाइम पर मैं ज़रूर बताऊँगी मैं कौन कौन सी चीज़ें ट्राई करूँगी। आगे मेरे दिमाग में कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं उसको बॉटल छुड़वाते वक्त ट्राई करूंगी, तो वो मैं आपको किसी और वीडियो में शेयर करूंगी। लेकिन 2 साल के बच्चे को आप बॉटल फीड देने की कोशिश ना करें, ट्राई कीजिए कि बॉटल फीड हट जाए, वो उसके लिए ज़्यादा बेटर है।
सरस्वती मिश्रा जी का कमेंट है कि मैम मेरी 18 इयर्स की एज है और क्या मैं क्या बाल छिलवा दूं जिससे कि मेरे बाल अच्छे से निकल सकें। उनके बाल बहुत ज़्यादा पतले या थिन हैं। अगेन सरस्वती जी, जो मैंने अभी ऑयल बताया, आप भी उस ऑयल को ट्राई करके देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है वो ऑयल। आप ज़रूर उस ऑयल को एक बार ट्राई कीजिए। बबली जी का कमेंट है, मैं तो डेली दाल एंड ग्रीन वेजिटेबल ले रही हूँ, फिर भी बेबी फीड लेते ही पॉटी कर देती है। उसके बाद में उन्होंने एज बताई है, 17 डेज की उनकी बेबी है। तो 17 दिन के बच्चे बहुत फ्रिक्वेंटली पूप कर सकते हैं, इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप जो खा रहे हैं उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ये बहुत बाद की बात होती है। स्टार्टिंग में 1.5-2 महीने तक जो बच्चों का पूपिंग का फ्रिक्वेंसी होता है वो बहुत कम भी हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। दोनों ही सिनारियोज काफ़ी ज़्यादा कॉमन एंड नॉर्मल है, तो आपको इसमें टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। लेकिन अगर आपको फिर भी बहुत ज़्यादा टेंशन होती है इस बात की, देन आप क्या कीजिए, जब आप अपने नेक्स्ट वैक्सीन के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे तब आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर सकते हैं। बट वैसे इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो जो नेक्स्ट कॉमेंट है वो है, उन्होंने पूछा है कि उनकी बेबी जो है वो 2 मंथ्स की हुई है, दूध पिलाते समय बहुत ही ज़्यादा उसको पसीना आता है और रात को सोते वक्त भी उसको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो क्या ये टेंशन लेने वाली बात है या उनको क्या करना चाहिए? तो देखिए, उस वीडियो में भी मैंने आपको यही बोला था, इसमें टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। बच्चे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग करते हैं एज़ कम्पेयर टू अडल्ट, इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। टेंशन तब होनी चाहिए जब स्वेटिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है। अगर बच्चों को स्वेटिंग हो रही है, पसीना आ रहा है, तो ये अच्छी बात है, जिससे कि जितने भी स्वेट ग्लैंड्स हैं बच्चों की वो ओपन हो जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो आप बच्चों को बस हैवी कपड़े मत पहनाइए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, वो एक पतली सी लेयर का ही कोई कॉटन का ड्रेस पहनाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप पतले कपड़े ही पहनाइए, जितने कपड़ों की आपको रिक्वायरमेंट होती है उससे एक लेयर ज़्यादा, एक पतली लेयर ज़्यादा बस बच्चों को ज़रूरत होती है, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है कपड़ों की। रूम टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखना होता। मेरी डॉटर तो अभी 18-19 मंथ्स की है और उसको फिर भी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। अगर हम अगर थोड़ा सा भी वेदर हल्का सा भी गर्म है और रूम में एसी नहीं चला हुआ है तो वो उसका पूरा टी शर्ट गीली हो जाती है, उसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, तो आप परेशान मत होइए। तो एक जो मैं लास्ट कमेंट ले रही हूँ, ये एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है ये, बट मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, तो मैं फिर से इनका कमेंट ले रही हूँ। ये हमारे चैनल के बहुत स्टार्टिंग से ही हमारे चैनल के सब्सक्राइबर है, सपोर्टर है। तो उनका कमेंट है कि वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो दी, आप प्लीज़ ब्लॉग बनाया कीजिए, डेली बहुत यूज़फुल होते हैं आपकी वीडियोज़ दी। तो ब्लॉग्स तो एक्चुअली मेरे को एडम जी पॉसिबल नहीं हो पाता, छोटे बच्चे के साथ में ब्लॉग्स बनाना, सारी चीज़ें घर की आपको मैनेज करनी है, तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता व्लॉग का। लेकिन हाँ, मैंने एक दो चैनल अपने स्टार्ट किए हैं दूसरे, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं अपने हॉल्स वगैरह शेयर करती हूँ, उन चैनल के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ पे मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन करके रिव्यू देती हूँ, जो डेली यूज़ में सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। उसके अलावा जो एक रेंडम वीडियोज़ होती हैं वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, जो मैं इस चैनल पर नहीं शेयर करना चाहती, बिकॉज ये चैनल मैं डेडिकेटेडली बेबी केयर एंड मदर केयर के लिए रखना चाहती हूँ। तो जो उस वाले चैनल पर मैं रेंडम स्टफ़ डालती रहती हूँ, जो कि ऐसे ही होते हैं, कोई भी हॉल वगैरह हो गया या कुछ भी, मुझे कोई भी चीज शेयर करनी होती है, साथ ही साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स के रिव्यूज मैं वहां पे लेके आती रहती हूँ, तो आप मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक सभी के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे इन सभी वीडियोस के, जो भी वीडियोस आज के कमेंट सेक्शन से रिलेटेड थी उन सब वीडियोस के आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, सभी प्रोडक्ट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, मेरे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। आप हमारी वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं momkidexpress.com से, वहाँ पे भी मैं आपको आर्टिकल्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। कई बार आपको वीडियोस देख पाना पॉसिबल नहीं होता, तो आप रिटन फॉर्म में भी ये इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।